सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो बाय टैप टेक। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है वो एक Q&A सेशन होने वाली है, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था। तो आज हमने वो सारे सवाल लिए हैं जो आपने हमसे पिछले एक वीक में पूछे थे और आपके सवालों को रिप्रेजेंट करेगा नवीन। हे गाइस, मेरा नाम है नवीन और मैं आज आप सबके क्वेश्चनों को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ इस Q&A सेशन में। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, हम सीधा आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला सवाल आ रहा है कि इंडिया में 5G कब तक आएगा और क्या हमें अभी 5G फोन में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो 5G से रिलेटेड हमने पहले ही एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए इन्हें नटशेल में आपको एक समरी दे देता हूँ। तो 5G इंडिया में कब तक आ सकता है, देखो अभी तक स्पेक्ट्रम तो कोई अलॉट हुए नहीं है और अभी रिसेंटली खबर भी आई थी कि हो सकता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है वो इसके स्पेक्ट्रम रिलीज कर सकता है। और बाकी सब लोग मेरे ख्याल से जियो तो रेडी बैठा ही है, आपने उसकी AGM में सुना ही होगा। तो बाकी प्लेयर्स भी रेडी होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर स्पेक्ट्रम जल्दी रिलीज हो जाते हैं तो हो सकता है कि हमें, ये तब बोल रहा हूँ मैं जब बिल्कुल चीज़ें फास्ट पेस पे चल रही हूँ, तो हो सकता है mid-2021 तक हमें 5G देखने को मिल जाए। तो क्या हमें 5G फ़ोन लेना चाहिए, तो ये था आपका अगला सवाल। तो इसका आंसर होगा कि अगर आप अभी 5G फ़ोन ले लोगे ना तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बट यही चीज़ अगर आप 6 महीने बाद लोगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर 5G नेटवर्क भी देखने को मिले आपको चारों तरफ, और प्राइस भी थोड़ा आपको कम पे करना पड़ेगा क्योंकि तब 5G आपको नॉर्मल मिड रेंज फोनों में भी देखने को मिल जाएगा। तो हमारा अगला सवाल आ रहा है, क्या जूम एक चाइनीज ऐप है। तो जो जूम ऐप है उसके फाउंडर है एरिक युआन और इनका जो बर्थ प्लेस है वो तो चाइना है, बट लेकिन अभी जो इनका परमानेंट रेसिडेंस है और विकिपीडिया के हिसाब से ये परमानेंट सिटीजन है अमेरिका के, इनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप है। तो मेरे हिसाब से तो आप इसे ना ही चाइनीज बोल सकोगे ना अमेरिकन बोल सकोगे। तो नाउ इट्स अप टू यू, आप इसे क्या कहना चाहोगे, ये एक चाइनीज ऐप है या एक अमेरिकन। तो अगला क्वेश्चन है एनवायरो चिप के बारे में, जिसके बारे में जानने के लिए मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो जो ये एनवायरो चिप है, देखो इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचने के लिए जो हमारे फ़ोन से निकलती है, और आप इसे सिंपली फ़ोन के पीछे अटैच कर कर भी यूज़ कर सकते हैं और इसे कवर के ऊपर भी रखकर यूज़ किया जा सकता है। और बाकी इसका यूज़ ही क्यों करना है हमें, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फ़ोन से निकलती है ना वो लंबे टाइम तक अगर हम उसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो कि हमारे फ़ोन हमारे पास लगभग हर टाइम ही रहता है, तो इससे बचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और लंबे टाइम में जो इसका इफेक्ट पड़ता है वो ये है कि जैसे आपको जल्दी थकना, स्ट्रेस होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, और इवन ये भी देखा गया है कि रिप्रोडक्टिव इशू भी इससे होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप भी इस चिप को यूज़ करो तो हमने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इसे बाय कर सकते हो। तो हमारा अगला सवाल है, क्या माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है। माइक्रोमैक्स एक प्योरली इंडियन ब्रांड है जिसे इंडियंस ने ही शुरू किया था। और अगर आप याद करो तो आज से 5-6 साल पहले, अगर अप्रॉक्सीमेटली, अब सही से तो याद नहीं है, तो आपको चारों तरफ ना सिर्फ हर पर्सन के हाथ में एक ही फ़ोन देखने को मिलता था, वो होता था माइक्रोमैक्स। और मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद चाहता था कि जो मेरा फ़ोन हो वो था माइक्रोमैक्स कैनवास जूस, मैं उसे खरीदना चाहता था, ये एक मॉडल हुआ करता था उस टाइम पे। और फिर उसके बाद धीरे 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 टाइम ऐसा बदला जब शाओमी आया, उसने पूरा मार्केट ही चेंज कर दिया। और अब तो आपको पता ही है माइक्रोमैक्स किसी के हाथ में रेयरली देखने को मिलेगा आपको, अगर कोई पर्सन यूज़ कर रहा होगा तो। और अगर आप टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहते हैं तो अभी तक आपको ये बात पता चल गई होगी कि माइक्रोमैक्स कमबैक करने की कोशिश कर रहा है एक नई सीरीज़ के साथ जिसका नाम उसने रखा है इन। और जो यहाँ पर INN है ना, ये स्टैंड करता है इंडिया के लिए, यानी ये जो फ़ोन होगा वो इंडिया सेंट्रिक होगा और मिलेनियल्स के लिए होगा, क्योंकि हर कंपनी हमें टारगेट कर रही है आजकल। और अभी रिसेंटली टेक्निकल गुरुजी के चैनल पर जो माइक्रोमैक्स के वन ऑफ द फाउंडर का एक इंटरव्यू आया था टेक्निकल गुरुजी के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने रिवील किया कि अब जो ये फ़ोन बनाएंगे वो टोटली इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। और हाँ, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तो उन्हें बाहर से इंपोर्ट करनी ही पड़ती हैं, बाकी चीज़ें वो सब इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में नहीं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे और जो है उनके उनकी अपनी क्वालिटी को बूस्ट करेंगे और ज़्यादा, ताकि वो हमें जल्दी से जल्दी अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएं। तो अगला क्वेश्चन है, प्लेस्टेशन 5 इंडिया में कब तक आ रहा है। तो वैसे तो ग्लोबली डेट लॉन्च हो चुकी है कि प्लेस्टेशन 5 आपको कब देखने को मिलेगा, बट इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इसका रीज़न ये है कि कोई दिल्ली का शैतान बच्चा है जिसने क्या किया कि प्लेस्टेशन 5 को 1 साल पहले ही अपने नाम से उसका ट्रेडमार्क करवा लिया। अब दिक्कत क्या आ रही है कि जो कंपनी है वो तो लॉन्च करना चाह रही है, बट फिर प्लेस्टेशन 5 का नाम पहले से ही ट्रेडमार्क हो रखा है उस बच्चे के नाम पर, तो कंपनी अपने नाम से नहीं कर पा रही। और अब देखते हैं इस इश्यू को रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा। तो
इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी गलती करती हैं, और अगर हमें पता है कि हम वो फ्यूचर में काम करने वाले हैं तो हमें फ्यूचर प्रूफ रहना चाहिए, यानी अपनी सारी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखनी चाहिए। तो हमारा आज का Q&A सेशन यही समाप्त होता है। अगर आप हमारे नेक्स्ट संडे के Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर अपने क्वेश्चंस को फीचर करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें फॉलो करिए और वहाँ अपने क्वेश्चंस DM करिए, और आप कमेंट कर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, उस घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना।